अच्छा, अगर मतलब आपको कभी ऐसा कोई, आपको कोई बड़ा मज़ेदार सा आपका इंसिडेंट हुआ हो कभी किसी के साथ, किसी क्लाइंट के साथ, किसी ने आपको अपनी, वो कहते हैं ना, एक कहानी कुछ और बताई हो लेकिन जब उसका आइडिया आपने पोर्ट्रे किया हो तो वो चीज़ कुछ और बनी हो, तो आपके लिहाज से तो वो बिल्कुल ठीक है जो उसने कहा है, लेकिन उसने कभी आपके, कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि बड़ा मज़ा आता है इस फील्ड में ना। बिल्कुल, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज व्हेन आई एम लिसनिंग टू द क्लाइंट, तो उस वक्त मुझे मेरे एक टीचर थे, आज से कोई 5-6 साल पहले उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि एज अ आर्किटेक्ट यू आर सर्विंग देम, ठीक है, वो आपको अपना ख्वाब बता रहे हैं, तो आप बेसिकली ख्वाब बेच रहे हो, ख्वाब बेचना इज़ आर्किटेक्चर, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी। सो वन एवर द क्लाइंट इज़ टॉकिंग टू मी, आई गेट वेरी पर्सनल विद देम, कि मतलब वो मुझे बताएंगे देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इवन ये तक भी चला जाता है कि अगर मियाँ बीवी हैं वो मेरे पास आए हैं कि हम लोग को रूम डिज़ाइन करना है या कुछ इस तरह करना है, तो मुझे उनके साथ ये भी बता रहे हैं कि अच्छा, हमारी लड़ाई झगड़ा भी होता है तो वी नीड अ सेपरेट रूम टू, ठीक है, तो हमारा इस तरह का भी आप इस तरह करके डिज़ाइन करो, लड़ाई झगड़े के लिए जो रूम होगा उसका कलर कौन सा होगा। बट आई लाइक देयर विजन इज वेरी क्लियर। आई एम नॉट इवन किडिंग, सीरियसली दे डू दैट, दे टॉक टू मी like this, because definitely वो अपना घर बनवा रहे हैं, it's not a मकान, घर है वो। आप वहाँ पे जिस तरह पहले भी माहीन बता रही थी कि सारे वो अपनी एक तरह से they want it to be a sanctuary for themselves, it's definitely that, because लोग चाह रहे हैं कि बाहर अब जिस तरह का माहौल है, सब कुछ है, तो they just want कि हर चीज़ घर में ही हो। बिल्कुल, अरूबा ने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि यू स्पेंड मैक्सिमम आवर्स इन योर होम, नॉट योर हाउस, इट्स योर होम। बाहर जाके नहीं लड़े, जैसे कभी देखा ना, कभी बाइक्स पे जा रहे होते हैं मियां बीवी रास्ते में लड़ रहे होते हैं, ऐसे नहीं करना, घर में एक कमरा बनवाया और वहां पर लड़े। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ऐसे ही हम गुपचुप जारी रखेंगे, तब सो वी विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।